देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN / 2010 / 33915। पत्नी व दो बच्चों की हत्या के बाद फरार पति का शव तालाब में मिला। गुरुवार को बांसवाड़ा में धौलपुर जिले के निवासी एक महिला और उसके दो बच्चों की गला रेत कर हत्या हुई थी। इस मामले में महिला के पति पर ही हत्या का शक जाहिर किया जा रहा था और तभी से वह फरार था, लेकिन आज महिला के पति का शव भी एक तालाब में मिला, जिससे सनसनी फैल गई। पुलिस भी प्रथम दृष्टया मां और उसके दोनों बच्चों की हत्या का आरोपी उसके पति को ही मान रही है। माना जा रहा है कि तीन हत्याओं के आरोपी पति ने बांसवाड़ा शहर के डायलाब तालाब में कूदकर जान दे दी है। इसका खुलासा तब हुआ जब धौलपुर निवासी देवेंद्र शर्मा का शव आज सुबह करीब 9:30 बजे तालाब से निकाला गया। आपको बता दें कि बांसवाड़ा शहर के राती तलाई क्षेत्र की गणेश कॉलोनी में कल एक महिला और दो बच्चों के शव मिले थे, जिनकी गला रेत कर हत्या की गई थी। घटना के बाद महिला का पति फरार था। ऐसे में हत्या की आशंका मृतका के पति देवेंद्र शर्मा पर व्यक्त की गई थी। इस पर पुलिस ने तभी से आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, जिसका शव आज बांसवाड़ा के एक तालाब में मिला। उल्लेखनीय है कि देवेंद्र शर्मा धौलपुर जिले के गांव महतपुरा का रहने वाला था। वहीं उसकी पत्नी नीतू का मायका भी धौलपुर जिले के सैपऊ इलाके के दुबेपुरा में था। देवेंद्र शर्मा बांसवाड़ा में रहकर ड्राइवरी का कार्य करता था। आज परिजनों की मौजूदगी में चारों के शव के पोस्टमार्टम कराए गए तथा बांसवाड़ा के कागजी पिकअप मोक्षधाम में ही चारों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जैसे ही एक परिवार के चार लोगों के समूह का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ तो मौके पर मौजूद परिजन फूट फूट कर रोने लगे और माहौल बेहद गमगीन हो गया। सर, ये तालाब से जो आज डेड बॉडी रिकवर हुई है, क्या मामला है? डेड बॉडी मिली है, जो डेड बॉडी मिली है उसके परिजनों को बुला के यहाँ पे दिखाया गया, तो लोगों ने पहचान की कि देवेंद्र शर्मा नाम की बॉडी है। उससे बाकी स्टेटमेंट सुझा था कि उसकी डेड बॉडी देवेंद्र शर्मा, ये देवेंद्र शर्मा की डेड बॉडी है। सर, अभी ये आगे केस किस तरह इन्वेस्टिगेट होगा और क्या इसमें क्राइम सस्पेक्ट मर्डर में यही था, और जो घर वाले थे उन्होंने भी FIR में किसी को नामजद कराया था। इसकी भी डेड बॉडी मिली है, बाकी अभी हम लोग उनको डिस्कस करेंगे और भी जो तथ्य सामने आएंगे उन पर भी हम लोग जांच करेंगे। जो भी टेक्निकल इनपुट्स वगैरह मिलेंगे सब चीज़ों की जांच करके और एकदम जो एकदम फेयर चीज है वो। शनिवार को 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। बिजली के रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के चलते धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों में 24 अक्टूबर शनिवार को 4 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। विद्युत निगम धौलपुर के कनिष्ठ अभियंता बिजेंद्र सिंह ने बताया कि 11 केवी के फीडर नंबर 1 हाउसिंग बोर्ड, फीडर नंबर 2 आनंद नगर, फीडर नंबर 3 हॉस्पिटल एवं फीडर नंबर 4 भोगीराम कॉलोनी क्षेत्रों की बिजली 24 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। नियमित व सहपाठी छात्र 27 अक्टूबर तक जमा कराएंगे प्रायोगिक फाइल। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर व कमला कॉलेज एवं महारानी महाविद्यालय धौलपुर के छात्र छात्राओं को 27 अक्टूबर तक अपनी प्रायोगिक फाइल जमा करानी होगी। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य डॉक्टर AK वर्मा ने बताया कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर से संबंधित BA पार्ट तृतीय नियमित स्वपाठी एवं BA प्रथम भाग द्वितीय ड्यू परीक्षार्थी तथा MA फाइनल प्रीवियस ड्यू की भूगोल की प्रायोगिक फाइल 27 अक्टूबर तक महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करावें, जिससे उनके प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन किया जा सके। फाइल के साथ प्रैक्टिकल फीस की रसीद आवश्यक रूप से लेकर आवें। साथ ही फाइल पर स्वयं के नाम के साथ पिता का नाम तथा रोल नंबर अवश्य लिखकर लाएं, अन्यथा उसके प्रैक्टिकल अंक नहीं भेजे जाएंगे। कमला महाविद्यालय धौलपुर एवं महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर के BA पार्ट तृतीय के नियमित विद्यार्थी राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में भूगोल की प्रायोगिक फाइल 27 अक्टूबर तक महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करावें, जिससे उनके प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन किया जा सके। राज सिंह परमा समस्त कैथरी ग्रामवासियों को नव दुर्गा एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जीवन में अपार खुशियां माता रानी दे। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे और आपका सभी का आशीर्वाद मुझे आप प्रदान करें। मिलावट की सूचना देने वाले को मिलेगा 51,000 रुपए का इनाम।
धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को सफल बनाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि मावा, मसाले, दूध, घी, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले दुकानदारों पर 26 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति या फर्म बड़ी मात्रा में मिलावट कर रहा है तो इनके रोकथाम के लिए सूचना देने वाले व्यक्ति को जिला कलेक्टर द्वारा प्रोत्साहन राशि 51,000 रूपए दी जाएगी तथा मिलावट की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने पर 10 लाख तक का जुर्माना और 6 माह तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। बीसी में जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा, सहायक कलेक्टर आरती भारद्वाज, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गोपाल प्रसाद गोयल, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चेतरा मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। टाइल्स के मामले में देश की नंबर वन कंपनी सिंपोलो टाइल्स का अधिकृत शोरूम अब आपके शहर धौलपुर में भी खुल गया है। अब आपको मनपसंद टाइल्स के लिए आगरा, ग्वालियर या अन्य किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, धौलपुर में ही मिलेगी आपको हर तरह की मनपसंद टाइल्स। फ्लोर की, दीवार की, फ्रंट की, किचन की एवं फर्श की टाइल्स। टाइल्स के अलावा सैनिटरी सामान के भी थोक विक्रेता। इंग्लिश सीट, सादा सीट, वॉच प्रेशन, सिंक, नल की टोंटी सहित अन्य सैनिटरी सामान भी उचित रेट पर मिलता है। जिले में पहली बार सिंपोलो टाइल्स के अधिकृत डीलर जय दुर्गा इंटरप्राइजेज आनंद नगर के पास सैपौ रोड धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह परमार उर्फ कल्ला ममोधन वाले। हम देते हैं आपको क्वालिटी की गारंटी और माल की गारंटी। एक बार जरूर पधारें, टाइल्स पसंद आने की 100% गारंटी। अब घर और सड़क बनाना हुआ आसान, वह भी 25% रुपए एवं समय की बचत के साथ, क्योंकि धौलपुर में पहली बार शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केला देवी रेडीमेड एवं फ्लाई एश बिक्स तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माता। धौलपुर जिले में 50 से 60 किलोमीटर तक कंक्रीट करने की पूर्ण व्यवस्था, सभी प्रकार की ग्रेड तक ऑटोमेटिक कंट्रोल से कंक्रीट बनाने की व्यवस्था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल से एक जैसी क्वालिटी, कच्चे माल की ना के बराबर बर्बादी, मकान और सड़क के निर्माण के समय अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं, लाने व ले जाने में 10% तक सीमेंट की बचत, साइट पर बिजली व लेबर की निगरानी की भी जरूरत न होने के कारण समय और पैसों की भारी बचत। पता केला देवी रेडी मिक्स, F325 रीको इंडस्ट्रीज एरिया धौलपुर। प्रोपराइटर मनीष कुमार सिंगल। मोबाइल नंबर 9549891824। SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। BA BSc, BCom BCA, BBA, PGDCA, MBA, MCA में प्रवेश लें और अपना करियर बनाएं। पढ़ाई के साथ कैंपस में उठाएं वाईफाई सुविधा का लाभ। जिले में सर्वश्रेष्ठ AC कंप्यूटर लैब, वर्कशॉप एवं प्रयोगशाला। SN ITI में भी प्रवेश प्रारंभ। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। पता आम के बाग के पास, बाड़ी रोड, सरकारी ITI वाला रोड, धौलपुर। SN ITI चुंगी चौकी के पास, धौलपुर, बाड़ी रोड एवं SR ITI कंचनपुर में भी प्रवेश प्रारंभ। सीमित स्थान, शीघ्र प्रवेश, शीघ्र संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर। अवैध खनन को रोकने कलेक्टर व SP ने किया दौरा। धौलपुर जिले में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने आज सरमथुरा, नादनपुर व बसेड़ी इलाके का दौरा किया। इस दौरान उपखंड कार्यालय बसेड़ी में कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे अवैध खनन अभियान कार्यक्रम के तहत जिले भर में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत बीती रात पुलिस ने करीब 2 करोड़ के वाहन जब्त कर कार्रवाई की है। अवैध खनन की स्थिति सरमथुरा, नादनपुर तथा बसेड़ी क्षेत्र में अधिक है। इसमें काम करने वाले LNT, JCV, क्रेन, लोडर, डंफर, एक्सक्लूसिव करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी व वाहनों को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा कोई लीजधारी फर्जी रबंडे चलाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। नादनपुर बसेड़ी के पास धोबी तिबरिया तथा बसेड़ी के पास मबोधन बोर्ड पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। SDM ने पंचायत स्तर पर चलाया जागरूकता अभियान।
कोरोना महामारी से बचाव के लिए जन जागृति अभियान के अंतर्गत आज प्रशासन के द्वारा ग्राम पंचायत हतवारी एवं नादौली में कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजाखेड़ा SDM ब्रजेश कुमार मंगल, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, ODF प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल ने बताया कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, साथ ही हमें साबुन से बार बार हाथ धोने चाहिए, वह आसपास अनावश्यक वस्तुओं को भी नहीं छूना चाहिए। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि जोगिंदर सिंह, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर महेश दुबे, सचिव भुवनेश लवानिया, प्रेम सिंह, सुनील दीक्षित आदि लोग उपस्थित रहे। ऑपरेशन आवाज के तहत महिलाओं को किया जागरूक। नारी को सशक्त बनाने एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए धौलपुर SP केसर सिंह शेखावत की अगुवाई में जिले में ऑपरेशन आवाज चलाया जा रहा है। इसके तहत आज जिले के कंचनपुर सदर थाना इलाके के गांव खेड़ा में धौलपुर में इंदिरा गांधी रसोई परिसर में महिलाओं को उन पर होने वाले अत्याचारों से बचने के लिए संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। कंचनपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा ने कार्यक्रम में कहा कि महिलाएं और बालिकाओं अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार और अपराध को लेकर तुरंत पुलिस थाने में सूचना दें। इस कार्यक्रम में राजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं समेत अन्य महिलाएं और DSP सेपोक विजय कुमार सिंह, थाना प्रभारी कंचनपुर लाखन सिंह सहित राजीविका मिशन के अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसके अलावा सदर थाना धौलपुर इलाके के खेड़ा गांव में भी ऑपरेशन आवाज के तहत सदर थाना प्रभारी रमेश तमर ने महिलाओं को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदान की। इसके अलावा निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल ने बाल कल्याण समिति और रोटरी क्लब के सदस्यों के साथ धौलपुर में संचालित हो रही इंदिरा रसोई में कार्यरत महिलाओं को उनकी सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान महिला सुरक्षा से जुड़े पोस्टर एवं पंपलेट भी वितरित किए गए। वसेड़ी व राजाखेड़ा कॉलेज में सीट बढ़ाने की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बसेड़ी के द्वारा बसेड़ी व राजाखेड़ा महाविद्यालय में सीट वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उच्च शिक्षा मंत्री के नाम बसेड़ी SDM को ज्ञापन सौंपा है। जिला सह संयोजक नितिन कुशवाहा ने बताया कि बसेड़ी व राजाखेड़ा महाविद्यालय के अंतर्गत BA प्रथम वर्ष आवेदन करने वाले छात्रों में OBC व जनरल के वर्ग के छात्रों की संख्या अधिक है। राजाखेड़ा में सभी वर्गों की सीटों पर छात्र अधिक हैं, दोनों महाविद्यालय में 200 सीटें कम हैं। सत्र 2020-21 के अंतर्गत सीटों की संख्या अधिक होनी चाहिए, जिससे सभी वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश ले सकें। जिला सह संयोजक SFS सूरज शर्मा ने बताया, इस संबंध में कई बार उच्च शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अवगत ही करवा चुके हैं, लेकिन लगातार अवगत कराने पर भी सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं। ज्ञापन के दौरान नगर मंत्री संदीप गुर्जर, कार्यालय मंत्री सुमित शर्मा, सूरज कटारा, विवेक जायसवाल, काना परमार आदि मौजूद रहे। ब्रांडेड कपड़ों के लिए अब आगरा जाने की जरूरत नहीं, धौलपुर में ही खरीदिए ब्रांडेड कपड़े। पीटर इंग्लैंड, लिवाइस एवं अन्य कंपनी के कपड़े। नवरात्रा ऑफर के तहत ब्रांडेड कपड़ों पर 10% से 50% तक भारी छूट। दूल्हे के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड, लिवाइस एवं अन्य कंपनी की शर्ट, पैंट, कोट, टाई आदि आगरा की कीमत पर मिलते हैं। इसके अलावा नाइक, रिबॉक, एडिडास सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी आगरा की कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के सारे कपड़े उपलब्ध, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। बच्चों के सारे कपड़े नवरात्रा महा ऑफर में एक बार जरूर पधारें D2 शोरूम पर, पता बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, धौलपुर। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई, MD शल्य तंत्र। मोबाइल नंबर 7000025053, 9165741677। धौलपुर में ही बनवाए सस्ता व अच्छा फर्नीचर, अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है, इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर।
हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान ब्रज माधव फर्नीचर हाउस राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर। सड़क पर चलते ट्रक में लगी आग, धू धू कर जला ट्रक। जिले के बसेड़ी इलाके के गांव नादनपुर में गुरुवार को पत्थर से भरे एक ट्रक नादनपुर पीएससी व थाने से करीब 200 मीटर दूर करीब शाम 5 बजे अज्ञात कारणों से अचानक चलती ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक धू धू कर जल गया। जानकारी के मुताबिक सोनू पुत्र जगदीश निवासी नादनपुर व हाल निवासी बाड़ी के ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण स्पार्किंग बताया जा रहा है। चालक ने चलते ट्रक में लगी आग को देखकर ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं ग्रामीणों ने निजी स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग धधकती चली गई और ट्रक को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ट्रक में हजारों रुपए का नुकसान हो गया। आग की लपटें उठती देख लोगों में हड़कंप मच गया। ग्राम पंचायत नादनपुर के सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह कुशवा ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत पानी से भरकर टैंकर को मौके पर पहुंचाया, जिससे आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने में आसपास के ग्रामीणों और नादनपुर थाना पुलिस का सहयोग रहा, जिससे ट्रक का कुछ हिस्सा जलने से बच गया। पुरानी रंजिश को लेकर वृद्ध पर हमला। चंबल के बिहड़ों में स्थित शेरगढ़ किले के पास परिवार के ही कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर एक वृद्ध पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक राम अख्तियार पुत्र बंसीलाल गुर्जर निवासी पुराना शहर धौलपुर शेरगढ़ किले स्थित हनुमान मंदिर के दर्शन करने गया था, जहां से वापस घर लौटते समय रास्ते में परिवार के ही कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं घायल की पत्नी प्रेमवती की ओर से कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भैया जिसकी पुरानी रंजस थी हमारी घर की, तीन चार जने पूजा करके किले पर चला गया, मंदिर पर आ रहा था बिकते, तो राजू और बन्ना और साहब और उदन ये चार जने ने मैं पटक लिया। तो भैया जिनने चारों तीन पकड़ लो बिकते जो पढ़ाई नहीं हूँ। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।